नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित नेक्सा शोरूम अवैध निर्माण को हटाने गए होमगार्ड जवान सहित 3 लोग घायल। अतिक्रमण हटाने गए बीएसएल की टीम का विरोध मारुति नेक्सा के कर्मचारी के द्वारा किया गया। बता दें कि बीएसएल के संपदा न्यायालय ने नेक्सा शोरूम को अनाधिकृत घोषित करते हुए इविक्शन ऑर्डर पास कर दिया है। इसी मामले में कार्यवाही करते हुए बोकारो स्टील सिटी के सुरक्षा विभाग की टीम पिछले जून 28 को भी नेक्सा शोरूम को खाली कराने गई थी, मगर वहां से बेलोंग बैरन लौट के आ गए। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बीएसएल की सुरक्षा विभाग ने माहौल को अपने अनुकूल भांपते हुए आज पानी बरसने के दौरान ही जेसीबी लेकर नेक्सा शोरूम खाली कराने पहुंच गई, जिसका विरोध वहां के स्टाफ ने किया। नेक्सा शोरूम के कर्मचारी का कहना है कि जब ये शोरूम बन रहा था तब बीएसएनएल के अधिकारी ने रोकने का काम क्यों नहीं किया। वहीं होमगार्ड जवान अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान घायल हो गए। घायल होने वाले में नेक्सा शोरूम की एक महिला भी है। बताया जा रहा है कि ये घटना तब घटी जब नेक्सा शोरूम को खाली कराने जेसीबी भी लेकर पहुंची। बीएसएनएल की सुरक्षा विभाग की टीम के वहां के स्टाफ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये घटना तब घटी जब नेक्सा शोरूम को खाली करने जेसीबी लेकर पहुंची। बीएसएल की सुरक्षा विभाग की टीम को वहां के स्टाफ रोकने की कोशिश कर रहे थे तब। बोकारो से शेखर की रिपोर्ट। सामने देख रहे कि लड़की खड़ी है तो अभी वो लोग बुलडोजर लेकर आ रहे थे और लाठी लेकर 2 पुलिस वाला था, जिसके कारण एक लड़की अभी घायल है। बीजेएस में नहीं है तो चलिए आप बीजेएस। क्या कहेंगे आज जो घटना हुई है? क्या कहेंगे, मतलब आप लोग सब मतलब पुलिस वाला जो है ना वो एकदम पागल हो गया है और कुछ नहीं, अपना बस वर्दी का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं है। जब बोला जा रहा है कि हम लोग टाइम चाहिए, हम लोग को तो फिर टाइम क्यों नहीं दे रहे? जब ये शोरूम बन रहा था तब कहाँ था ये लोग? तब नहीं दिख रहा था? एक दिन में बना है ये शोरूम? एक दिन में बना है कि एक साल लगा होगा? पुलिस मारा है, जेंट्स पुलिस मारा है, ढेला भी है और ढेला से भी मारा है। बदतमीजी भी किया है? हाँ, नहीं बदतमीजी नहीं, लेकिन वो जेंट्स पुलिस जो था ना वो पीछे हट गया, मार गया, पीछे हटा है, उसके बाद बुलडोजर लेके गया है। पैर में मारा है, देखिए पैर में मारा है। बुजुर्ग को खींच के वो लोग 3-4 मिल के वो लोग खींच के मारे। ये तो हम लोग का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, डबल बेंच में गया हुआ है, डबल बेंच में। उसके बाद आज फिर ये लोग अचानक आ गए, ना कोई नोटिस है ना कोई खबर है, आ गए और 4-4 आदमी मिल के, 4-4 पुलिस वाला मिल के एक एक आदमी को पीटा है। छोटी सी लड़की जो 20 साल उम्र है उसका कम डंटा से मार के माथा फाड़ दिया। ये तो गुंडा ही है, ऐसे ही आ गए बिना खबर दिए और मारपीट करने लगे। 4-4 आदमी, 4-4 लोग मिल के एक छोटी सी बच्ची को मार के माथा फोड़ दिया। 3 आदमी हमारा घायल है। हम यहाँ गुंडाई कर रहे हैं कि डकैती कर रहे हैं कि किसी का मर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेल को रास्ता निकालना चाहिए, इतना आदमी का एम्प्लॉयमेंट है। ये आ गया एकदम पूरा अपना फोन लेके कि चलो साला किसी का घर ढा देंगे। मतलब कहें एक गुमटी बैठता है सेल में तो वो लोग आके वो उलट देते हैं। इतना बड़ा शोरूम ऐसे ही बना है? पुलिस वाला पीटा है, पुलिस वाला घंटा से मारा है। महिला पुलिस लेकर नहीं आई? नहीं, महिला पुलिस नहीं मारी है। पुलिस आप रिकॉर्डिंग है आप लोग के पास? एक 4-4 5-5 पुलिस वाला मिलके एक बुढ़ा आदमी को मार रहा है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।